वेलकम बैक दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए शानदार टीक वुड के दो डिज़ाइन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको डिफरेंट काइंड्स के नए टीक वुड के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ये सभी टीक वुड के डिज़ाइन बहुत ही यूनिक हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अगर आप अपने घर में नया मेन डोर लगवा रहे हैं या अदर्स रूम में डोर लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे नए मेन डोर के डिज़ाइन मिलेंगे। तो दोस्तों, जब आप टीक वुड के डोर बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वुड की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो ये टीक वुड के डोर जो आप बनवाते हैं या कहीं से भी ख़रीदते हैं तो उसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात होती है, एक तो टीक वुड का प्राइस और टीक वुड की क्वालिटी। मार्केट में अलग अलग तरह की टीक वुड आपको मिलती है जो कि सभी इक्वल नहीं होती। इसमें आपको MPT, CP और बर्मा टीक और आपको इम्पोर्टेड टीक भी मिलती है। तो याद रहे कि आपको हमेशा टीक वुड के दरवाजे बनवाते समय या टीक वुड का कोई भी आइटम बनवाते समय सिर्फ दो ही टीक का यूज़ करना चाहिए। पहली होती है जो इंडियन, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी जो सबसे इंडिया में जो टीक्स अवेलेबल हैं उनमें उसमें होती है MPT। अगर आप इससे भी अच्छी टीक वुड यूज़ करना चाहते हैं तो वो होती है बर्मा टीक, जो कि एक नंबर पर यानी फर्स्ट नंबर पर आती है। इसके अलावा जो और टीक्स अवेलेबल है, जैसे इम्पोर्टेड टीक होती है या CP टीक होती है, इनकी क्वालिटी और लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ना ही इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो निकल कर आते हैं। जब आप इनको पॉलिश करके यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रेन्स भी नहीं आते और ना ही वो ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। इसलिए टीक वुड के दरवाजे बनाते समय या बनवाते समय या ख़रीदते समय ये चीज़ सर्टिफाइड कर लें कि जो दरवाजे आप ख़रीद रहे हैं वो MPT के हैं या बर्मा टीक के। तो ये दो ही टीक मार्केट में सबसे अच्छी मानी जाती हैं और इनकी टीक की जो रेट होता है वो भी काफ़ी हाई रहता है CP टीक और इम्पोर्टेड टीक के मुकाबले। तो कई बार आपको बनाने वाला या बेचने वाला चीट करता है, वो MP टीक है या बर्मा टीक है, इसलिए आपको इसका ख़ास ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो उससे सर्टिफाइड लेटर लें या बिल लें जिससे उसने ख़रीदा है। तो ये ज़रूरी चीज़ होती है जब आप दरवाज़े टीक वुड के ख़रीद रहे हैं या बनवा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे बचने के लिए आप उनसे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट या उसका बिल ज़रूर लें, वरना आपको मैन्युफैक्चरर बहुत चीट कर सकता है और आपको इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इनके प्राइस में काफ़ी सारा डिफरेंस रहता है, क्योंकि जब आप टीक वुड के डोर बनवाते हैं तो नॉर्मली उनका कॉस्ट जो अदर्स टीक वुड के दरवाजे हैं जैसे CP टीक है या इम्पोर्टेड टीक है, उसका रेट मार्केट में आपको 800 से 900 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है, जबकि MP टीक का रेट 1100 से 1200 रुपए है स्क्वायर फीट में। और अगर आप बर्मा टीक लेते हैं तो उसका प्राइस रेंज 1500 से 1800 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में आता है। तो ध्यान रहे, जब आप टीक वुड के दरवाजे ख़रीद रहे हों तो इन चीज़ों को पूरी तरह से माइंड में रखें और कंफर्म करने के बाद और पूरी जानकारी करने के बाद ही वुड को ख़रीदें या दरवाज़े बनवाएं या दरवाज़े ख़रीदें। तो मैंने कोशिश की है आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की। मुझे लगता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और चैनल नया होने की वजह से आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो में बचे हुए टीक वुड के डोर डिज़ाइन भी देखकर जाएं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू गाइज़।